अध्याय द्वितीय श्लोक अष्टादश। अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ताह शरीरणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माधुध्यस्व भारत। अर्थ, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उस प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। अध्याय द्वितीय श्लोक नवदशा अर्थात 19वां श्लोक। या एनम वेत्ति हंतारम यच्छेनम मन्यते हतम उभौ तो न बिजानी तो नायम हंती न हन्यते। अर्थ, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मा हिंस्यात् सर्वाभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। ना ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंद है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं।